आपके सामने, ठीक है। हमारा चैप्टर का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंट, से रिलेटेड है ये। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ, बेसिस है अकाउंट्स के, एक है मेरा कैश बेसिस अकाउंट, बेसिस अकाउंट, हमारा एक्रूवल बेसिस अकाउंट, एक्रूवल बेसिस अकाउंट, दोनों में क्या डिफरेंस है हम एक बार डिफरेंस पे भी डिस्कस करेंगे और इसको समझ भी लेंगे। एक है हमारा कैश बेसिस अकाउंट, एक है हमारा एक्रूवल बेसिस अकाउंट। सबसे पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशन मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपली समझाना चाहता हूँ। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारा का सारा ट्रांजेक्शन मैं सेल के प्रोस्पेक्टिव से लेके चलूंगा, वहां पे उधार का भी काम होता है, लेकिन कुछ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां सारा का सारा ट्रांजेक्शन किस में होता है, कैश में होता है। देखा हुआ है विजुअल, अगर आप में आप टिकट के पैसे नहीं है, घर पे पर्स भूल गए, तो क्या आपको टिकट मिल सकता है मेट्रो में जाने के लिए? नहीं मिल सकता। अगर आपके 1 रुपए भी कम है तो क्या मेट्रो में ट्रेवल कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। रीजन बीइंग, क्योंकि वो पूरा कैश बेसिस पे ही काम कर रही है। सेम ऐसे मैं बात करूं अगले पॉइंट की, रेलवे। तो रेलवे के अंदर आज पैसे नहीं है, मैं गांव पहुंच के आपको पैसे दे दूंगा, अपने जब घर पहुंचूंगा तो आपके स्टेशन पे आके जमा, मतलब नहीं है आप जाओ यहां से। किस चीज की आप बात कर रहे हो? गांव पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे वो तो पता है, वो आपको ट्रेवल करने से पहले आपका किराया ले लेता है। सेम ऐसे और भी हम वगैरह जो है हमारे, ये सारे एस बेसिस अकाउंटिंग जो फॉलो कर रहा है नहीं मोनोपोली, और दूसरा है नहीं रेलवे कोई नहीं है, तो कैश बेसिस अकाउंटिंग जो फॉलो करता है वो मेनली वो पर्सन होते हैं, वो बिजनेसमैन होते हैं जिसका कि एक तरीके से मार्केट में मोनोपोली होता है, यानी वही है, उससे कॉम्पिटिटर में कोई है ही नहीं। अब मैं एक और एग्जांपल, ट्रांसपोर्ट, ये भी से बोलते हो कि भाई आज मैं पैसे लाना भूल गए, तो वो बोलेगा नहीं भाई साहब आप नहीं ट्रेवल कर सकते, आप उतरिए यहां से, ये सारा सिस्टम रहता है। कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुश्किल इजी है? नहीं है। के सामने मैं एग्जांपल लेता हूं, आप सपोज करिए और ये सपोज करिए आप, ये हमारा है शॉप नंबर टू, दो दुकान हो गई हमारी शॉप नंबर वन और टू, ये हमेशा
क्यों आएगा? यहाँ पे उसने 10 दिन ही सामान लिए और एक दिन पैसे भूल गया, यहाँ का दुकानदार बोलता कोई बात दे देना आप आके। तो इस कस्टमर के माइंड में क्या होगा, यार ये दुकानदार बढ़िया है, मैं फालतू में उसके पास इतने दिन गया। यही तो बताओ, कैश बेसिस के चक्कर में क्या इस तो कैश बेसिस फॉलो करना, वहां पे नुकसान हो सकता है, हमारे कस्टमर चले जाएंगे। मान लो ये हमारा है, मदर डेयरी क्या है, जहां पे दूध मिलता है, मदर डेयरी के यहाँ पे यहाँ पे ये है, आप डेली इससे 1 किलो दूध लेते हो, डेली 1 लीटर लेते हो, डेली डेली डेली, और एक दिन आपके पास 1 रुपए कम है। भाई साहब 1 किलो दूध दे दो, 1 रुपए कम है, मैं आके आपको दे जाऊंगा। इसने बोला नहीं, उधार उधार नहीं होता, हम कैश बेसिस अकाउंटिंग वाले, चलो जाओ 1 रुपए लेके आओ, तब पूरे पैसे लेके आओ, तब हम आपको देंगे। जब इसने ये बात बोली तो इसको गुस्सा आया, कस्टमर को गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद दूध में कोई ऑप्शन ही नहीं है, मदर डेयरी ही दूध बेच रहा है और कोई है ही नहीं। एक बार गुस्सा हुआ, फिर थोड़ी देर बाद दो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। तो समझो आप पॉइंट में क्या समझाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैश बेसिस अकाउंटिंग तभी किया जा सकता है जबकि हम, और एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग है तो वहां कैश बेसिस करोगे तो अपने कस्टमर को लूज करोगे आप, है ना, यही है। अब भाई इन दोनों में बताओ, आपके आसपास में एक्रुअल बेसिस का मतलब होता है जो कि जो अपनी डील ये इसमें किस में होगा, जो मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया था ये किसका था, कैश बेसिस का, और ये वाला एग्जाम्पल जो था ये था कैश बेसिस और ये क्रेडिट। ऑलरेडी जिसको हम एक्रूवल को ना एक और वर्ड से जानते हैं, मर्केंटाइल बेसिस भी बोलते हैं इनकम टैक्स में। तो कैश बेसिस अकाउंट कौन सा, आज अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप मुझे एक बात सोच के बताओ कि आप अपने कस्टमर को बनाने की कोशिश करोगे या कस्टमर को भगाने की कोशिश करोगे? जवाब है सर, हम अपने कस्टमर को बनाने की कोशिश करेंगे। कोई भी बिजनेस ओपन किया, अगर आपका कॉम्पिटिटर है तो आपको उधार में सामान लेन देन, तो पहला पॉइंट अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी अकाउंटिंग है जो एक्सेप्टेबल है, तो जवाब है सर बहुत कम एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल कम है, क्योंकि भाई यहां पे हमारे कस्टमर लूज हो जाएंगे। ये कब एक्सेप्ट करोगे आप इस तरीके का मॉडल, इस तरीके का बिजनेस आप कब करोगे, जब आपका कोई कॉम्पिटिटर ना हो, ठीक है। दूसरे लो, मैं डीटीसी बस की बात करता, ये हमारा डीटीसी बस, ये लो इसके टायर। इस डीटीसी बस में, डीटीसी ये दरवाजा और एक यहां, दो दरवाजा होते हैं ना बस में। अब यहां पे मान लो आपको जान बस बना बस आगे फर्स्ट स्टैंड बस के, जिसका गर्मी बहुत है,
किया जाए कि हम यहां से बस लेके यहां पे पहुंच जाए स्टैंड सेकंड पे। आप बस स्टैंड पे वेट, भीड़ आ गई, बहुत यहां पे आए पर्सन, यहां पे कितने पर्सन आए, टोटल 15 पर्सन पर्सन यहां पे बैठे। कंडक्टर भाई टिकट कर रहा है, बस तो चलने लगी चलने लगी, टिकट काट रहा है काट रहा है काट रहा है काट रहा है, यहां तक भाई साहब इसका न... तो अब बताओ ये इंतजार करे या अब है सर ये उतर जाना चाहिए। क्यों भाई, मेरे तुम्हारी गलती है, मैं तो उतर रहा हूं यहां पे और ये उतर गया, और उतर के बाद इसने क्या करा, नाचने लगा मेरे मेरे पैसे बच गए, देने थे वो नहीं दिए इसने, जानबूझ के नहीं, फिर भी तो फायदा ही है ना, तो ये कहता है कि मेरे पैसे बच गए। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसने बोला मेरे पैसे बच गए हैं, आज की सेल्स क्या 15 7 रुपए का, जो आज की सेल कितनी है 70 रुपए, जबकि इसकी आज की सेल कितनी होनी चाहिए थी अगर ईमानदारी से बात करें तो 15 पर्सन के हिसाब से होनी 5, ठीक है ना, होनी इतनी चाहिए, लेकिन है कितनी 70 रुपए। आप मुझे बताएं तो ये अपने मालिक को रिपोर्ट और जाके दे देगा जो कि सही है या गलत है, होना ये पैसे दिए उतर गया, उससे या तो मैं कल के दिन ले लूं या फिर मैं उसको बोल दूं भाई तुम मुझे कल दे जाना, ले छोड़ो 5 रुपए जाते हैं जाने दो, उसको क्या देखना हमें। तो अब मैं अकाउंटिंग बोलूं तो इसका क्या सेल्स सही होना चाहिए, बताओ किसका प्रॉफिट किस बेसिस पे, अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे चलता तो इसका नाम, और बोलता भाई कल आप मुझे पैसे दे देना कोई बात नहीं, जैसे ऑटो वालों के साथ होता है नॉर्मली, ऑटो वाले से बोलते हैं कल दे जाऊंगा आप तो मुझे जानते ही हो, आम पता सब कुछ ले लेता और कल बैठता, आज की सेल्स मैं दिखाता से 5 रुपए लेने बाकी हैं, हमारे आउटस्टैंडिंग है 5 रुपए, ये मैं ये आपको बात। तो इसका मतलब अगर एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करता ये तो जो कि, लेकिन कैश बेसिस फॉलो एकदम गलत है, असलियत 70 रुपए की नहीं है, असलियत है हमारी 75 रुपए की। तो क्या बताओ इस बेसिस अकाउंटिंग भी आए नहीं सर, करने पे उसका प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस ठीक आएगा। अब ये लिखेगा इस वाले अकाउंटिंग में क्या आउटस्टैंडिंग को मान रहा है, ये अकाउंटिंग के अंदर वो आउट गया मान ठीक
5 रुपए की टिकट थे, आपके पास 10 रुपए था, आप दे रहा हूं, रुको रुको रुको, आपका स्टैंड आ गया और आपको इमरजेंसी में जाना है, आपने बोला छोड़ यार 5 रुपए में निकल गया। ये सेल पता है कितना बनाएगा, यहाँ का कंडक्टर 5 रुपए अपनी जेब में डाल लेगा, बोलेगा अरे यार, तो यहाँ की सेल कितनी दिखाएगा, उतनी ही दिखाएगा, प्रीपेड की भी एंट्री नहीं करेगा, प्रीपेड बेसिस अकाउंटिंग भी और आउटस्टैंडिंग अकाउंटिंग भी, यानी सिंपल वर्ड में एडजस्टमेंट नहीं। है ना, तो सबसे है जो मोर एक्सेप्टेबल है, मोर एक्सेप्टेबल हमारा है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, ये इसके कंपैरेटिवली कम है। किसके बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस पे भरोसा किया जा सकता है, इसके बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी बातों को रिकॉर्ड करता है, और इस पे नहीं किया जा सकता। इसके अंदर एक्रूअल बेसिस क्या होता है बताइए जरा, एक्रूअल बेसिस वो अकाउंटिंग है जहां पे कैश और क्रेडिट दोनों का ही ट्रांजेक्शन किया जाता है, ओनली कैश बेसिस अकाउंटिंग किया जाता है, ठीक है ना, अकाउंटिंग किया जाता है इस बात। चलिए, मैंने चर्चा किया आपसे कितने पॉइंट पे, एक्सेप्ट यानी ट्रू एंड फेयर व्यू, इसका मतलब होता है कि आप इसके बैलेंस शीट पे विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके सर कैश होगा ओनली, और इसमें कैश बताया। अब कौन सा करना मुश्किल होगा, किसके अंदर दिमाग लगेगा वो बताइए, में तो आप एक छोटे बच्चे को बिठा दो और उसे बोलो जो आएगा पैसे लेना और सामान देना, बात खत्म, और पैसे ड्रॉर में डालते जाना, बच्चा बैठा और यही कर रहा है पूरे दिन। एक्रूअल बेसिस में किसी बच्चे को बैठा दोगे तो उससे बोलना कोई व्यक्ति आएगा, ये देखो फोटो है उसकी, ये सारे व्यक्ति हैं उधार आएंगे, इनको दे देना, और लिखना भी, तो इसके अंदर अकाउंटिंग दोनों करना पड़ेगा। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग जो है वो सिंपल है, बहुत ही सिंपल, और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है भाई एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसमें दोनों ट्रांजेक्शन करते हैं हम, कैश बेसिस अकाउंटिंग भी और एक्रूअल यानी करते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अब मुझे बताइए कैश बेसिस अकाउंटिंग के फायदे क्या है। फायदे वही है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से किए जाते हैं, और क्या फायदा है, इसको करना बहुत आसान है और यहां एडजस्टमेंट नहीं करने, दो फायदे बताए मैंने, व्यू पिक्चर प्रेजेंट कर फायदा है इसका, एक साल के डेटा को दूसरे साल के डेटा से कंपैरिजन किया जा सकता है क्योंकि इसका होता है। नुकसान, व्यू पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता, ये एक्सेप्टेबल ज्यादा नहीं है, इसके नुकसान थोड़ा कॉम्प्लिसिटी है, ये इसके अंदर काम करना थोड़े नॉलेज की बात है, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं अकाउंटेंट वगैरह को रखने में। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इस चैप्टर में से, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि कैश बेसिस अकाउंटिंग का मीनिंग बताइए, इसके एडवांटेज और लिमिटेशन। मीनिंग है कैश बेसिस अकाउंटिंग में जितना पैसा रिसीव हुआ या जितना पेड किया सिर्फ उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके एडवांटेज सिंपल है, इसके एडवांटेज एडजस्टमेंट करने ही नहीं है, इसके डिसएडवांटेज ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इसके डिसएडवांटेज इसके अंदर आप एक साल के डेटा को दूसरे साल के डेटा से कंपेयर नहीं कर सकते,
एसेस अकाउंटिंग क्या होता है? ऐसे ट्रांजेक्शन जहां पे पैसे मिले चाहे ना मिले, उसे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसे एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग बोलते हैं। इसके फायदे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर प्रेजेंट करेगा, एक साल के डेटा को दूसरे साल से कंपेयर कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिसिटी होता है, मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स माइनस प्लस एडजस्टमेंट करना पड़ता है हमें, ठीक है? तो ये पूरा का बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग के बारे में। अब एक क्वेश्चन आता है बेसिस अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, इसको आप नोट करिए, पॉज करके वीडियो नोट। डिफरेंस की बात करता हूं, आप मुझे डिफरेंस फटाफट बताइए। डिफरेंस नंबर वन, इसमें ट्रांजेक्शन में ओनली कैश ट्रांजेक्शन, एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इसको ज्यादा एक्सेप्ट किया जाएगा, मोर एक्सेप्टेड। लेस एक्रूअल बेसिस है, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताएगा, ट्रू व्यू एंड फेयर व्यू। नंबर तीन बताएगा ट्रू इसके लिए और इसके लिए टेक्निकल नॉलेज। समझ रहे हैं बात को? मैं अभी स्क्रीन पे लेके चलूंगा, आपको पूरा पढ़वाऊंगा, अभी नोट्स में से ही मैं पढ़वाऊंगा, मैं भी सिंपल बता रहा हूं। इसके अंदर देखा जाए तो इसमें एडजस्टमेंट नहीं, एडजस्टमेंट किए जाते हैं, इस तरीके से डिफरेंस बताना है। फिर से चलो मेरे साथ बताओ, मैं स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, ज्यादा लेंदी है नहीं चैप्टर। और एक बार देख लेते हैं किसी का कमेंट वगैरह भी है, ज्यादा लेंदी। तो हम देखते हैं इसके अंदर, फिर से एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं। हमारे पास बेसिस ऑफ अकाउंट दो तरीके के होते हैं, एक कैश बेसिस अकाउंट, एक एक्रूअल बेसिस अकाउंट। कैश बेसिस अकाउंट के अंदर हमारे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग के अंदर कैश और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड सिंपली होता है। कैश बेसिस के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, एक्रूअल बेसिस एडजस्टमेंट करना पड़ता है, एक्रूअल बेसिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। आगे हम बात करें इसके अंदर कैश बेसिस अकाउंटिंग जो है उसके डिसएडवांटेज, ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर, फ्रेंड्स कुछ चर्चाएं की आपसे। चलिए मैं फटाफट, और आप साइड में भी देख सकते हैं, मैं यहां पे डिस्प्ले करूंगा आपको स्क्रीन, और आप क्या चीजें बताई गई है साइड में मैं डिस्प्ले करूंगा स्क्रीन, और आप इसको ध्यान से देखें। अब आपको बताते हैं, आ जाइए जाइए हमारे पर, ये आ गए। हम पढ़ते हैं क्या, हम पढ़ते हैं यहां पे पहले ही अकाउंट, ऑफ अकाउंट के अंदर में देखते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंट। इट इज अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है,
अकॉर्डिंग टू विच, जिसके हिसाब से ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन कैश इज रिसीव, जब कैश रिसीव किया जाएगा या पेड किया जाएगा तभी हम अपने बुक्स ऑफ, ठीक है जी सर। एडवांटेज देखिए, इट इज सिंपल बेसिस अकाउंटिंग, ये सिंपल बेसिस अकाउंटिंग है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, इन सब के एडजस्टमेंट नॉट मेड, इसको किया ही नहीं जाता, ठीक है। दिस अप्रोच ऑफ ऑब्जेक्टिव, वेरी फ्यू एस्टिमेटेड एडजस्टमेंट होते हैं इसमें। एडवांटेज, सुटेबल उस एंटरप्राइजेस के लिए है जो मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कैश बेसिस पे करती है, सिर्फ उसी के लिए ये सुटेबल है। डिसएडवांटेज देखिए, ये हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं करता, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंस, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इन सबको इग्नोर कर दिया जाता है। ये आपका मैचिंग प्रिंसिपल जो है हमारा, जिसके अंदर उसी साल के इनकम और उसी साल के एक्सपेंस को बताया जाता है, उसको भी इग्नोर करता है। दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, इसके अंदर कौन सा आइटम है ये भी नहीं बताया जाता। आगे चलिए, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यह एक अकाउंटिंग का ऐसा सिस्टम है जहां पे ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड किए जाएंगे वो कैसे किए जाएंगे, वो किया जाएगा चाहे आपका कैश रिसीव हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। एडवांटेज देखिए, सबसे पहले ये ज्यादा से ज्यादा लोग इसको प्रिफर्ड करते हैं, इसको मोर आपका साइंटिफिक है कंपेयर टू कैश बेसिस अकाउंटेंट। अब दूसरा देखिए इसके एडवांटेज, यहां पे कंप्लीट पिक्चर बताता है हमारे फाइनेंशियल पोजीशन के और ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे कहता है ये ट्रू प्रॉफिट और लॉस, ये रिफ्लेक्ट करता है ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, वही जो मैं बता। अगले पॉइंट पे देखते हैं, अगले पॉइंट पे क्या कहता है, डिसएडवांटेज, दिस सिस्टम नॉट सिंपल बेसिस अकाउंटिंग, ये सिस्टम सिंपल और कैश बेसिस अकाउंटिंग नहीं करता, ये हमें करनी पड़ती है। अब देखते हैं आगे, हम ये पढ़ लेना क्विक, आपका अप्रेजल है, प्रॉफिट इज लॉस आपका पॉसिबल बिकॉज मेनी एडजस्टमेंट, यहां पे बहुत सारे इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक भाई, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग और कैश बेसिस अकाउंटिंग, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें एक्रूअल में दोनों ट्रांजेक्शन किए जाते हैं और इसमें सिर्फ कौन से किए जाते हैं, कैश। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वही मैं जो बात कर रहा था, इसमें नॉट असर्टेन बिकॉज ऑफ ओनली कैश ट्रांजेक्शन और रिकॉर्डेड, समझ रहे हैं बात को आप। टेक्निकल नॉलेज, इसके अंदर एक्रूअल अकाउंटिंग में रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज चाहिए, इसमें डज नॉट रिक्वायर्ड मच ऑफ टेक्निकल नॉलेज, पता है क्यों, क्योंकि हमें पैसे लेने हैं और पैसे देने हैं। एक्सेप्टेबिलिटी, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग मोर एक्सेप्टेबल, ये बहुत एक्सेप्टेबल होता है ज्यादा, और कैश बेसिस अकाउंटिंग है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। रिलायबिलिटी, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग इज मोर रिलायबल, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, ये ज्यादा भरोसेमंद है।
कि कैश बेसिस अकाउंटिंग है वो कम रिलायबल है, नॉट मोर रिलायबल एज इट रिकॉर्ड ओनली कैश बेसिस अकाउंटिंग नॉट असर्टेन। असर्टेन मतलब ढूंढना होता है। हमने आपको पूरी थ्योरी बता दी, इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल भी है प्रैक्टिकल जो आपके हैं। तो चलिए अब फिर से आपके बोर्ड करते हैं कि कौन से एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। अब हमारे पीडीएफ आपने नोट कर लिया, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। ठीक है जी, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग पे। अब हमने यहां तक के क्वेश्चन कर लिए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस हो सकते हैं, उस क्वेश्चंस को मैं एक बार बोर्ड पे भी दिखा देता हूं, शायद कुछ। लेकिन मैं आपको, आप सुनिएगा, कुछ टेक्निकल एरर है इसके अंदर। अभी जो ऑफलाइन मेरे से क्लासेस लेते हैं उनका तो बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी में वीडियो उनको मिलेगा ही मिलेगा। हजार नहीं मिले, और पेंस 6,000 रुपए हैं या 3,000 रुपए है ना, जिसमें से इसमें इंक्लूडेड नॉट पेड, आपको इनकम बताना है अकॉर्डिंग कैश बेसिस अकाउंट एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस अकाउंटिंग में तो हमारे इनकम मिला ही नहीं, तो हमें कितना मिला होगा? सिर्फ 3। हम इसमें सिर्फ रिसीव के बेसिस पे काम करते हैं। मिले चाहे ना मिले, समझ रहे हैं आप बात को? एक्सपेंस कैश बेसिस अकाउंटिंग में जितना पेमेंट किया, 1,000 में से 500 तो पेमेंट ही नहीं किया, तो लेकिन एक्रूअल में पेमेंट 1,000 रुपए आएगा हमारा, यहां पे आएगा, देख प्रॉफिट आएगा मेरा 4,000 रुपए, तो किया जा सकता है, तो आप बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? अच्छे से समझ रहे हैं? ठीक है, अब इस चैप्टर को एंड करते हैं हम। आप सबने थ्योरी पढ़ लिया, नेक्स्ट क्लास में फिर से हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ और न्यू चैप्टर के साथ, और चैप्टर का नाम मैं रखूंगा कैश बुक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां मिलेंगे हम और उसको बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आप देखते रहिए, ऑनलाइन बच्चे जो लाइव देखते हैं यूट्यूब पे वो भी देख पाएंगे फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच।